सब बेरोजगार लोग हैं और हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपके माध्यम से सरकार और समाज को बताना चाहते हैं, पिछले कुछ समय से हम लोगों को सरकार द्वारा ठगा जा रहा है और इलेक्शन के समय कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों से कुछ वादे किए थे और उनके मैनिफेस्टो में भी जो उनकी 10 गारंटियां है उसमें भी उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि वो 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और उनके कुछ बड़े नेता जैसे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जब उनकी सोलन में रैली हुई थी तो उन्होंने उसमें भी हम लोगों से वादा किया था कि पहले कैबिनेट में हम आपको 1 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आकर लगभग 2 साल होने वाले हैं और जो लोग जो उन्होंने हम लोगों से वादे किए थे वो एक भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। हम उनकी आपको बाइट भी सुनाना चाहते हैं जो प्रियंका गांधी जी ने सोलन की रैली में कहा था। अब हम आज आपके माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जितने भी काम किए ज्यादातर तो हमारा उसमें शोषण ही हुआ है, लेकिन एक उनका एक अच्छा काम भी है और उसकी हम सराहना भी करना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी दिसंबर 2022 में सत्ता में आई तो उसके कुछ दिन बाद ही 25 दिसंबर 2022 को एक पेपर हुआ था तो उस पेपर में जो पहले से कमीशन में धांधली करी आ रही थी उसमें वो धांधली उजागर की गई और उसके बाद कमीशन बंद हुआ और उसमें विजिलेंस की इंक्वायरी भी बैठाई गई और वो अभी तक चली आ रही है। तो उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस तरह की धांधली को उजागर किया और जो लोग उसमें नौकरियां बेच रहे थे और उनके ऊपर केस चलाया तो, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हमारे साथ जो ठगी की है जो हम लोगों का बेवकूफ बनाया है तो उसके बाद जो सरकार ने क्या किया एक कमेटी बनाई श्री दीपक सानंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई तो उन्होंने भी कुछ अपना समय लिया और उसके बाद जब उनकी रिकमेंडेशन आई तो उस रिकमेंडेशन पर जो 30 सितंबर 2023 को नया चयन आयोग बना और उस चयन आयोग को बन के भी आज लगभग 1 साल होने वाला है। दुख की बात यह है कि उन्होंने 1 साल में मात्र 1 पोस्ट बोर्ड का एग्जाम करवाया है जबकि उनके पास पेंडिंग लगभग 86 पोस्ट बोर्ड है। ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन आउट हुई है 29/10/2022 को, तब से लेकर और इसमें हमने करोड़ों रुपए तो उनको फीस दी है, तब से लेकर ये सारे पोस्ट बोर्ड वहाँ पे पेंडिंग है। और हम लोगों को जब हम उनसे पूछते हैं सरकार से कि भैया आप भर्ती क्यों नहीं करा रहे तो हम लोगों को जवाब मिलता कि हम उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं और ऑनलाइन का हाल ये है सर कि 1 साल से उनको ऑनलाइन कनेक्टिंग एजेंसी नहीं मिल रही और इसको हमारा ये मानना है कि इसको जानबूझ के डिले किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो हम रखना चाहते हैं आपके सामने, सरकार ने शोषण करने के नए नए तरीके अपना लिए, अब एक नया तरीका क्या है और इसमें मुझे लगता है सरकार को पेटेंट भी करवा लेना चाहिए। एक नया तरीका ये है जब उनको लगता है कि युवाओं में आक्रोश है युवा नाराज है तो वो कैबिनेट से कुछ पोस्टें अप्रूव कर लेते हैं और उसके बाद जो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू नहीं करते। अभी हमारे पास डेटा है लगभग इनके 2 साल के कार्यकाल में लगभग 6500 से ऊपर की पोस्टें जो इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कर रखी है लेकिन उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं किया, तो इस सब हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जो तीसरा पॉइंट हम इस पर रखना चाहते हैं, जो हमारे सीएम साहब है वो हर जगह जहां भी जाते हैं सार्वजनिक मंच पर या मीडिया के सामने जब भी जाते हैं कभी वो 20 लाख कभी वो 20,000 नौकरी देने की बात करते हैं कि हमने 20,000 नौकरियां दी, कभी वो 25 बोलते हैं कभी वो 30 बोलते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा है एक तो हमारे पास ये रिपोर्ट है जो FEPSC ने राज्यपाल महोदय को जो सबमिट किया है उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 साल में 1460 नौकरियां दी है युवाओं को। और जो दूसरा उनका कमीशन है वो तो पहले से बंद है, HPRC पहले से बंद है, उन्होंने मात्र एक पेपर करा है उसका भी जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। और तीसरी बात जो इनके ही कांग्रेस पार्टी के MLA है धर्मपुर मंडी के श्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने तो इसमें जो सरकार का जवाब आता है कि हमने 885 नौकरियां दी है 1 साल में युवाओं को, सिर्फ
और इसमें भी हमारे मन है कि इसमें भी 3-4 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिसके पेपर अभी होने हैं, पेपर भी नहीं हुए लेकिन वहां पे बोल रहे कि हमने नौकरियां दे दी। तो हम सीएम साहब से ये पूछना चाहते हैं, जो आप 30,000 का क्लेम करते हैं वो भर्ती आपने किन लोगों को दी और कौन से कमीशन के माध्यम से दी आपने और उसका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस था? और इसके बाद जो हम जो हमारा चौथा पॉइंट है वो जो इनके 2 साल का कार्यकाल का चौथा पॉइंट है, उसमें जो मैक्सिमम जो भर्तियां है वो आउटसोर्स पे कर रहे हैं, जबकि जो इलेक्शन से पहले जो इन्होंने हम लोगों से बातें की थी, जो इनके बड़े बड़े नेता है उन्होंने हम लोगों से बातें किए थे कि हम सिर्फ पक्की नौकरियां देंगे। इन्होंने यहाँ तक बोला था कि अगर आपको पक्की नौकरियां चाहिए तो हम लोगों को वोट दो, अगर आपको आउटसोर्स पे नौकरियां चाहिए तो दूसरी पार्टी को वोट दो। तो लेकिन आज हाल ये है, लगभग जो हमारे पास डेटा है उसमें इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में 10,000 नौकरियां आउटसोर्स कर दी है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हम लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो पक्की नौकरियां है वो आउटसोर्स वालों को दी जा रही है। बाकी आउटसोर्स में बाली जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि आउटसोर्स के खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं शिक्षित बेरोजगार संघ अध्यक्ष बालकृष्ण, भारतीय संविधान के 4th स्तंभ मीडिया और पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोकसभा के 2022 में इलेक्शन हुए, उसमें एक 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें से एक मुख्य गारंटी है 1,00,000 नौकरी देना। उस गारंटी पे हम मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं, साथ में आज की वर्तमान स्थिति की भी बात करते हैं कि आज 2.5 साल होने के लिए हुए हैं, 2.5 साल का मतलब 2 साल हो गई, तो 2,00,000 नौकरियां होनी चाहिए। जो गारंटी थी उसमें पूरे 5 वर्ष के लिए 5,00,000 नौकरियां थी, वो किस प्रकार की थी उसका भी अलग अलग तरीका होता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की बीच में हमारे हम सुनते हैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बोला कि हम 30,000 सरकारी नौकरियां देते हैं, जो इस मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज में भी हमने देखा है। तो इसमें उसके साथ ही हम दूसरा बताना चाहेंगे कि जो कमीशन के थ्रू जिसके पेपर होते हैं, जो एक शिक्षित अभ्यर्थी होता है वो किस तरीके से पेपर देता है, इस टाइम उसका आंकड़ा एक कागजी रूप में हमें मिला है 885 पोस्टें जिनके अभी तक पेपर हुए हैं 2 साल के कार्यकाल में। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा कि एक टीजीटी पीजीटी की भर्तियां चली हुई है, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हमने 6,000 वैकेंसियां निकाली है, अभी तक कमीशन के माध्यम से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 2 साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूं जो हमारे पास आंकड़ा आया है। साथ में मैं बताना चाहूंगा जेओ लाइब्रेरी फिलहाल तो अभी माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, परंतु हमारे द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त किया गया आरटीआई के माध्यम से उसमें 774 पोस्टें खाली है, और इस तरह अलग अलग विभागों में भी आउटसोर्स की भर्तियां शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी खोली गई, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है, वो भर्तियां अभी तक नहीं है, परंतु विश्वविद्यालयों द्वारा हमारे से जो फीस ली गई थी उसका आंकड़ा माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया हलफनामे में, उसमें 3.74 करोड़ रुपया हमारे से फीस ली गई थी। जो विभागीय पेपर है वो करने का इच्छुक नहीं है। साथ में टीजीटी की पोस्टें आप देख रहे हैं, अब शिक्षा विभाग की ओर नजर डालते हैं, समाचार पत्र में हमने देखा है कि शिक्षा विभाग में शीघ्र भरे जाएंगे 16,000 खाली पद, 16,000 पद ये समाचार पत्र में रह रहे हैं। हम मानते हैं सरकार ने बैचवाइज भर्तियां निकाली है, बैचवाइज भर्ती के साथ नियम ये बोलता है कि कमीशन भी करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि अगर आपके द्वारा HPRCA को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भर्ती दी जाए। वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी भर्तियां समाप्त हो चुकी है, अभी 2 भर्तियां बची हुई है, फिलहाल वो फ्री हो चुके हैं, और हाल ही में चेयरमैन का भी गठन किया है राज्य चयन आयोग जो हमीरपुर में है, पहले कर्मचारी चयन आयोग होता था, नाम परिवर्तन कर दिया है उसका, और वो ढांचा भी वही है
और सिस्टम भी वही है, सिर्फ सरकार अलग है। पिछली हम धन्यवाद करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री का, भले ही घोटाले किए पर रोजगारों की कमी नहीं रखी, इन्होंने तो रोजगार ही बंद कर दिया, ऐसी भर्तियां मुख्यमंत्री ने रोजगार बंद कर दिया और अपने फेसबुक माध्यम से अवगत करवाते हैं कि हमने रोजगार देना है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज की समय में चला है, विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो ले आए जाते हैं और तरह तरह की न्यूज़ें लगाई जाती है, परंतु बेरोजगारों को कोई नहीं पूछ रहा। आज बेरोजगारों की मजबूरी है कि हमें प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अरे ये हमारा आंकड़ा लगभग 8 लाख के आसपास बेरोजगार है अभी हिमाचल में, जो ये ऑफिशियल जो इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आंकड़ा है। पर हमारा ये मानना है कि ये लोग यहाँ से भी ऊपर होंगे, क्योंकि सब लोग वहाँ पे रजिस्टर नहीं करते। अब इसके बाद हमारी कुछ डिमांड है जो हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। तो ये लगभग 8 डिमांड है जो हमने सरकार को लिखी है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारी पहली डिमांड है वो है स्टार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ HPRCA एंड कंडक्ट द एग्जाम विच इज एंटेंगल्ड विद HPRCA। तो हमारा पहला मानना ये है कि आप जो कमीशन है जो आपने राज्य चयन आयोग बनाया है हमीरपुर में, उसको प्रॉपर उसमें फंक्शनिंग में लाओ। और वहां पे जो हमने पहले भी बोला है कि जो 86 पोस्ट कोड है और उसमें लगभग 1150 के आसपास उसमें पोस्टें है, वो उनको पहले भरो, क्योंकि वो सारी कुछ तो उसमें 2021 की है, जैसे JOIT 965 जिसमें वो धांधली भी हुई थी और वो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ और वो पोस्ट कोड उनके पास ही है, वो 2021 का है। तो आप वो पेपर करवाए पहले। और उसके बाद एक हमारा और भी एक ऑब्जेक्शन है, जो एक दीपक सानंद कमेटी बनी थी, तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो एक उन्होंने कहा है कि आप इसको ऑनलाइन एग्जाम कराओ, और जिसकी वजह से जो हमारे एग्जाम है वो डिले हो रहे हैं। सर उसमें हमारा ऑब्जेक्शन ये है, जो ऑनलाइन एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो हमने आपको आंकड़ा दिया 8 लाख लोग बेरोजगार है, तो जब भी मास लेवल की भर्ती होगी तो उसमें हमारा जो मानना है उसमें लगभग 3-4 लाख लोग एग्जाम देंगे और फॉर्म भरेंगे। तो हमारा ये मानना है कि जो राज्य सरकार के पास इतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वो ऑनलाइन एग्जाम करा सके, तो इस वजह से और इसको डिले किया जा रहा है। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि एक साल से वो कंडक्टिंग जो ऑनलाइन कंडक्टिंग एजेंसी है उसको ढूंढ रहे हैं, उनको एक साल से वो मिल ही नहीं रही, और उसमें फीस का भी है सर, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो उसमें फीस बहुत ज्यादा होगी बच्चों की। और अभी हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेपर हुआ था HP स्टेट कोऑपरेटिव क्लर्क का एग्जाम हुआ था शायद, तो उसमें जो हमारे कुछ मित्र थे तो उनको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा था, कई को चंडीगढ़, मोहाली, अम्बाला, इवन मेरा एक दोस्त था उसको उन्होंने दिल्ली भेजा था, वहां पे पेपर हो रहे थे। अब यहाँ पहले ही बेरोजगार लोग हैं, अब यहाँ से दिल्ली कहाँ जा सकते पेपर देने। तो हमारा ये इसमें ऑब्जेक्शन है, दीपक सामन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है आप इसको ऑफलाइन कराइए, ये सारे जैसे पहले भी होते थे उस तरह से आप ऑफलाइन एग्जाम कराइए। अब HPPSC भी तो कराता है ऑफलाइन एग्जाम, उसमें धंधे क्यों नहीं होती, और दूसरे स्टेट में भी तो कराते हैं लोग, और UPSC भी तो करवाता है, SSC भी करवाता है ऑफलाइन एग्जाम। आप एग्जाम ऑफलाइन कराइए और इस तरह से इसको डिले मत करें। और हमारी जो दूसरी डिमांड है सरकार से वो है फिलअप द ऑल पोस्ट विच इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, जितनी भी कैबिनेट से अप्रूव्ड है, जो हमने आपको पहले आंकड़ा भी दिया 6500 के आसपास है, इवन इससे भी ऊपर होगी, वो आप प्रायोरिटी के साथ भरो। मैं आपको कुछ पोस्ट कोड बताना चाहता हूँ जो उन्होंने वहां से अप्रूव की है, जैसे नोटिफिकेशन है ये नायब तहसीलदार है, 19 पोस्ट इन्होंने अप्रूव की है कैबिनेट से, और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है इसका ये कर क्या रहे है। और दूसरा एक पटवारी है, उसकी नोटिफिकेशन है, उसमें 874 पोस्ट है, उसका भी कोई पता नहीं है ये। और उसमें 1200 पोस्ट पुलिस कॉन्स्टेबल है, और इसमें JEE की भी कुछ पोस्टें हैं, और इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भी कुछ पोस्टें हैं, और हाल ही में इन्होंने 50 पोस्ट उसकी भी वहां पे अप्रूव की है सचिवालय क्लर्क की। तो इस तरह की बहुत सारी है, TGT है इसमें, और PGT है, JBT है, तो इस तरह की जो पोस्टें हैं जो इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कर रही थी, लेकिन अभी तक इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं लाया। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाए। जो हमारा तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है, वो है फिल अप द ऑल वैकेंट पोस्ट विच इज वैकेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो ये आंकड़ा है सर, ये लगभग 60,000 के आसपास है,
गवर्नमेंट हमारी सरकार में अभी तक 60,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं, आप इनको भी भरिए। और हमारी जो चौथी डिमांड है, चौथी डिमांड हमारी ये है कि स्टॉप रीज्वाइनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ रिटायरीज। यहाँ पे अब जो हमको दिखा भी रहे बार बार 8 लाख लोग बेरोजगार है, बावजूद उसके हमारी सरकार रिटायरी और जो इनको एक्सटेंशन दे रही है या इनको रिज्वाइनिंग दे रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप रिटायरी को एक्सटेंशन दे रहे हैं, रिज्वाइनिंग दे रहे हैं? क्या जो काम उन्होंने सीखा है वो जो 8 लाख लोग बेरोजगार है क्या वो नहीं सीख सकते? तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के काम मत कीजिए और जो 8 लाख लोग बेरोजगार है इनको ये नौकरी दी जाए। और हमारी जो पांचवी डिमांड है सर वो ये है कि जो आउटसोर्स का है, स्टॉक आउटसोर्सिंग की परमानेंट जॉब हिमाचल प्रदेश, जो अभी बाली जी ने भी बात की इस बारे में, आउटसोर्स का ध्यान आपका दोबारा आकर्षित करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस पेज में एडवर्टाइज होती है दो पोस्टें और सरकार द्वारा आउटसोर्स में बैठाए जाते हैं 6 लोग। आपके पास पोस्ट 2 है और बैठाने का काम 6 का है, क्या काम करते होंगे एक्स्ट्रा लोग? क्योंकि वो सरकार बोलती है आर्थिक स्थितियां कमजोर है, तो अगर आर्थिक स्थिति है 2 की जगह 6 कैसे हो रहे हैं? इस तरह एक ही बात नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ये जितनी भी भर्तियां है इसमें 2 गुना 3 गुना कुछ तो 10 गुना एक्स्ट्रा हो गए, इस तरह भर्तियां चली है आउटसोर्स की। अब जो हमारा 6ठा पॉइंट है ये है सर, जो इन्होंने पहले यूनिवर्सिटी है उसमें जो पहले एडवर्टाइज की थी पोस्टें, जैसे पहले एचपीयू में जो इन्होंने पहले भी बात की 2020 में ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन उसके बाद 2022 में इन्होंने उनको रीओपन किया और अभी तक ये पेंडिंग है। और एक नॉन यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो वहाँ पोस्टें निकली थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, और एक एसपीयू मंडी उसमें भी कुछ पोस्टें निकली थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, तो आप इनको भी निकाले। और जो हमारा सातवां पॉइंट है, जो सातवीं डिमांड है वो है स्टॉप मर्जर ऑफ नाइट तहसीलदार विद एचपीएस कैडर। इसके लिए हम सर पहले भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर उनसे भी मिले हैं, पर वहां से हम लोगों को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। ये लोग सर इसको एचएस के साथ मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारे 2-3 ऑब्जेक्शन है। एक तो हमारा एज क्राइटेरिया को लेकर है, क्योंकि जो एचएस में है उसमें जो जनरल की एज है वो 35 है और जो नाइट तहसीलदार में उसमें आपको 45, उसमें आपको 45 साल मिलते हैं, तो 35 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें जो 35 साल से ऊपर हो गए हैं उनका इसमें नुकसान है, तो हम हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जैसे ओल्ड पैटर्न उसके साथ पहले हो रहा था उसी तरीके से करें इसको। और दूसरी जो हमारी इसमें ऑब्जेक्शन है वो है पैटर्न ऑफ सिलेबस, जो नाइट तहसीलदार का पैटर्न और सिलेबस वो एकदम अलग है एचएस से, क्योंकि अगर इसको आप एचएस के साथ मर्ज करते हैं तो इसमें जो नाइट तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से एक तो ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा, और ऑप्शनल तैयार करने में लगभग आपको 1 साल लगता है, और आपको अलग से फिर उसमें कोचिंग वगैरह भी देनी पड़ती है और एक्स्ट्रा घटिया और एक्स्ट्रा टाइम है उसमें, और ऊपर से आपको सीसेट की तैयारी करनी पड़ती है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम है एचएस में। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि आप इसमें ये ऑब्जेक्शन हमारा पैटर्न और सिलेबस को लेके, और ये डिमांड ये है हमारी कि आप इसको मर्ज मत करो, जैसे पहले हो रहा था वैसे इस एग्जाम को आगे भी कंडक्ट कराएं। और जो हमारी 8वीं डिमांड है वो है सर, जैसे आजकल यहाँ पे भी इतने सारे जो चीटिंग के नए नए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं हिमाचल में भी, तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी कॉपिंग लॉ बने, यहाँ पे नकल विरोधी कानून बने। तो इसके लिए हमने इसमें एक एग्जांपल उत्तराखंड का भी डाला है, जैसे उत्तराखंड में उन्होंने एक कानून बनाया है उसमें उन्होंने जो पेनल्टी है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास रखी है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी स्टेट में भी इस तरह का कानून हो। और इन्होंने 10 करोड़ पेनल्टी प्लस इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में भी इस तरह का कानून हो ताकि इस तरह के लोग इस कानून से डरे। और या अगर आप अलग से कानून नहीं बना सकते तो जो सेंटर में अभी हाल ही में कानून बना है उसमें भी इसी तरह के कुछ प्रावधान है, शायद उसमें 3 साल इम्प्रिजमेंट है और 5 लाख उसमें आपका पेनल्टी है और फाइन है, तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कानून हमारी स्टेट में बनाएं। सर ये हमारी 8 डिमांड है सरकार से आपके माध्यम से। आपने जो यूनिवर्सिटी वाला जिक्र किया,
चार करोड़ फीस वसूली गई, ये एफएस कभी की कौन कौन सी कैटेगरी की, और हाईकोर्ट में क्या उस पर कोई डायरेक्शन दी है और क्या हुआ क्या इसमें? इसमें जो पोस्टें थी 258 पोस्टें हैं और 2020 में, फिर दोबारा रीएडवर्टाइज 2022 में, और हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर की है, हाईकोर्ट ने जवाबदेही इनके लिए हल्फनामा मांगा, एफिडेविट मांगा, आउटसोर्सिंग। हाँ जी, ये एडवर्टाइज हुई थी, पर एडवर्टाइज विड्रॉल करना क्या कारण रहा, फिर हमने जब याचिका आउटसोर्स के अगेंस्ट डाली, मेरे द्वारा याचिका दायर की गई थी क्योंकि मैंने फीस 2400 पे की थी एडवर्टाइज के लिए, परंतु पूर्व सरकार द्वारा वहां पे आउटसोर्स बैठाए गए और एडवर्टाइज को डस्टबिन में डाला गया, और हमारा जो फिर माननीय हाईकोर्ट में जब ये एफिडेविट दायर करते हैं, इनकी मंशा ये बोलते कि हम सरकार की परमिशन ले रहे हैं, जो हमारे तक एफिडेविट पहुंचा है उसके तहत हमारे को फीस मिली है 3.74 करोड़, इतनी फीस हमारे से एकत्रित हुई है और जिन लोगों ने फॉर्म भरे, फिलहाल अभी ये मामला विचाराधीन है, परंतु हमारा कहना इतना ही है कि जब आपने एडवर्टाइज की है तो आउटसोर्स में बैठाने की क्या कारण रहा, आउटसोर्स में आप बैठाओ उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब एडवर्टाइज होती है, अगर दो पोस्टों के लिए एडवर्टाइज होती है, 6 पोस्टों के लिए कैंडिडेट अपने चेहरे बैठाए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठाए गए हैं, इस तरह हर कैटेगरी के लिए ये पोस्ट निकली थी, क्लर्क हो गया। मौजूदा सरकार का क्या स्टैंड है इसमें, ये तो पूर्व सरकार का, मौजूदा सरकार और पूर्व सरकार ये दोनों डामाडोल खेल रही है, क्योंकि अगर मंशा रोजगार देने की है तो क्लियरिटी है कि जब आपने आउटसोर्स बैठाए हैं तो उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अब वो अंदरूनी मामला है सरकार का, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें हमारी पोस्टों से लेना देना है, और जो आउटसोर्स में बैठाए गए हैं वो क्यों बैठाए गए, जब एडवर्टाइज हुई है, जब हमने फीस की है और एडवर्टाइज की जाए, इसमें समय निश्चित हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा इतना डिले करना बेरोजगार के लिए बहुत सारा। एक आपने इतनी सारी आपकी पूरी तैयारी करके आए, जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, इससे भी पूरे आंकड़ों के साथ आए, आप सरकार नहीं कर रही है आउटसोर्स भर्ती कर रही है, आपका संगठन क्या करेगा, क्या हमारे संगठन से मिलेगा, क्या करेगा? हमारे संगठन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आज हिमाचल प्रदेश के पूरे संगठनों से भी आह्वान किया गया है कि आप 20 तारीख को सचिवालयों के पास आइए, 20 तारीख यानी शनिवार को सचिवालयों के पास हम एकत्रित होंगे, और ये जो हमारी 12 सूत्री मांग पत्र है इसको हम सौंपने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का और प्रशासन का क्या रुतबा रहता है वो उनको है, हमारा काम है कि हमारी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने डीसी एसपी महोदय को भी बता दिया है कि हमने मुख्यमंत्री से मिलना है, हमारा मामला सिर्फ ये है जो हमने ये 8 सूत्री मांग पत्र बनाया है किया जाए, और हिमाचल प्रदेश में 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता खोला जाए। और किसके कोई क्वेश्चन? वैसे तो मेरे साथियों ने सारे आंकड़े आपके सामने रख लिए हैं, लेकिन एक छात्र, एक युवा छात्र होने के नाते मैं भी आपके सामने फील करना चाहती हूँ कि एक यंग एस्पिरेंट होकर जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्टडीज जो कर रही हूँ, कैसा फील होता है जब आपके एग्जाम्स डिले होते हैं, आप तैयारी करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, जबकि आप इक्वली पोटेंशियल हो, लेकिन आपसे लेस पोटेंशियल जो लोग है उनको वो सीट मिल जाती है, इट इज वेरी पेनफुल। तो मैं अपने 1-2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, और ये पॉइंट सिर्फ मेरे अपने पर्सनल पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स मेरे क्षेत्र के जो युवा है, जो स्टूडेंट्स है, मेरे गांव की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो इस मोटिव से यहाँ शहर हमारी कैपिटल शिमला में आए हुए हैं कि हम स्टडीज करेंगे, एक अच्छी अपने पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज करेंगे, उनके बिहाफ पर मैं 1-2 पॉइंट्स प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने रखना चाहती हूँ।
पहली बात तो ये है कि जो पहला पॉइंट है दैट इज कि मेरे जो साथी है जो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, हम सब दिन रात इफ आई सी तो वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 से 8 बजे वो घर जाते हैं, तो आप सोचिए वो 9 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते बिकॉज एग्जाम डिले होते जा रहे हैं, तो उनका जो हमारे पोटेंशियल पे ट्रस्ट है वो टाइम के साथ जाता जा रहा है। और क्या हो रहा है कि हमें फाइनेंशियली अपनी तैयारी को खुद ही सपोर्ट करना पड़ रहा है, हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं और 9 से 10 घंटा हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, उसके बाद क्लासेस लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं। सो ये आसान नहीं है, फिर भी खुद को मोटिवेट रखना होता है, हमें प्रेस करने की ये नौबत आ गई है, सरकार हमारी बात को नहीं समझ रही है। आई थिंक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो है दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड टॉक टू अस, दे शुड टॉक टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, लाइब्रेरी भरी हुई है, हर जगह आप देखो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अगर पूछा जाए कि एग्जाम कब है तो दे डोंट हैव प्रॉपर क्लैरिटी कि एग्जाम कब है। आई थिंक कि प्रॉपर नोटिफिकेशंस जारी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एग्जाम कब आने वाला है, किस चीज की हमें तैयारी करनी है, ताकि सिस्टमैटिकली वो अपनी एनर्जी को उसमें चैनलाइज कर सके, लेकिन कोई नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आ रही है। मतलब जो स्टूडेंट्स अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम जो अपनी नॉलेज है बस उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और जैसे वो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना जिसमें बदबू आने लग जाती है, वो वैसा ही हो रहा है, हमारी एनर्जी हमारा पोटेंशियल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली हर एक बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एज यंगस्टर्स।